बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पर आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप सब? मेरी आज की वीडियो उन प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए जो नया नया खाना बनाना सीख रही हैं, जिन्होंने अभी कुकिंग में, किचन में अभी कदम रखा है और बड़े शौक और प्यार के साथ उनको सिखाया जा रहा है। तो मेरी आज की वीडियो उनके लिए है, तो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ काले चने। तो उसके लिए मैंने रात को 1 कप काले चने लेकर, 1 कप से थोड़े से ज़्यादा थे, इनको मैंने भिगो लिया था। फिर सुबह भीगने के बाद वो कुछ इस तरह से हो गए थे उनकी, आप देख सकती हैं कि जब इनको नहीं भिगोया तो चनों का साइज़ भी छोटा है और यहाँ पे चनों का साइज़ बड़ा हो गया। और अब जब मैं इनको बनाऊंगी तो जो पानी इसके अंदर मैंने रात को डाला था, चनों को अच्छी तरह से पहले धो लेना है, क्योंकि यही पानी हमने इसको पकाने में इस्तेमाल करना है। तो इसलिए चनों को पहले धोना ज़रूरी है, क्योंकि सारे विटामिन और हर चीज़ जो है इस पानी के अंदर निकल गई होती है, तो ये पानी ही हम इसके पकाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये 4 अदद प्याज और लहसुन। प्याज मेरे पास छोटे साइज़ की हैं इसलिए मैं 4 इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज हैं तो फिर आप 2 ही लें, क्योंकि ज़्यादा प्याज सालन को मीठा कर देता है। इस तरह से मैंने प्याज काट ली है और लहसुन जो है उनका छिलका उतार लिया है। इसके साथ मैं ये 2 टमाटर इस तरह कट करके, आधा आधा करके जो है वो मैं शुरू में ही डाल देती हूँ। शुरू में डालने का मकसद ये है कि ये थोड़ा गल जाता है जब, तो इसका ऊपर से छिलका उतर जाता है, तो छिलका मैं निकाल कर फेंक देती हूँ। इस वजह से कि टमाटर का छिलका जो होता है वो गलता नहीं है, तो वो फिर आपको बाद में शोरबे में भी नज़र आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। तो लोग भूनते हुए डालते हैं, मैं जो हूँ मैं इसको शुरू में ही डाल देती हूँ। जब मैं ऊपर रखती हूँ चने पकने के लिए, लहसुन प्याज डालती हूँ ना, तो साथ ही डाल देती हूँ। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून मैंने ये मिर्च ली है, सुर्ख मिर्च। आधे से कम मैंने टीस्पून हल्दी ली है। 1.5 से 2 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। लेकिन आप हसबे जायका अपना देख लें, मिर्च भी हसबे जायका देखें, आपके घर में कैसी खाई जाती है। हमारे घर में तेज़ खाई जाती है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। उसके अलावा 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून जीरा पिसा हुआ, ये आपने डालना है। इसके अलावा ज़्यादा मसाले नहीं डालने, क्योंकि चनों का जो अपना जायका और अपना वो निकलता है, उसका अरोमा वो ज़्यादा मज़े का होता है। अब इसको मैंने देचकी में कुकर में डाल लिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसको कुकर में बनाएं या इसको देचकी में बनाएं, लेकिन पानी आपने वही इस्तेमाल करना है जो आपने पहले इसको चनों में डाला होगा, रात से भिगोया होगा। रात या 4-5 घंटे पहले दिन में भिगो लें, अगर शाम में बनाने हैं तो पानी यही इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये है कि अगर आपने इसको कुकर में भी बनाना है तो पहले आपने कुकर बंद नहीं करना, पहले आपने इसको नॉर्मल पकाना है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो खुश्क होने के बाद दोबारा जब आपने पानी डालना है, फिर आप जो है ना कुकर बंद कर इसको स्टीम दे लें। उसकी वजह वही है जो मैंने पाए बनाते हुए आपको बताई थी, कि कोई भी सालन ऐसा जो आपने शोरबे वाला बनाना है, तो उसको पहले ज़्यादा नहीं गलाना, पहले उसको थोड़ा गलाना है, फिर उसको भून के उसके बाद उसमें पानी डालें, तो फिर उसका जो सारा जायका है, वो जो निकलता है ना, वो अंदर ही रहता है उस शोरबे के अंदर। लेकिन अगर आप उसको पहले गला लेंगे और उसको भून लेंगे, तो उसके बाद अगर आप उसके अंदर जो है बाद में जब उसको पकाएंगे, उसका जो शोरबा बनाएंगे, तो वो जायका नहीं आएगा जो इस तरह से आएगा। तो पहले आपने हमेशा कम पानी डालना है, जिसमें आधी चीज़ गले, पूरी चीज़ ना गले। अब इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। यहाँ मैंने अब इसके अंदर लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट डाल दिया। अदरक जो है वो अगर आप गोश्त बनाएं तो उसके अंदर जब आप गोश्त भून रही हो उस वक्त डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज आपने पहले डालना है तो पहले भी डाल लें। तो दूसरा एक बात यहाँ मैंने करनी थी, कि एक बच्ची ने मुझसे कहा है कि आप बातें बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बेटा, बातें मैं इसलिए करती हूँ कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये अगर बताऊँगी तो आप लोगों को पता चलेगा, तो ये बतानी ज़रूरी होती है। इस वजह से मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह जो भी मसाले थे। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी। तो बस
बस इसको जो है पानी को खुश करना है। टमाटर जो है वो थोड़े से गल गए हैं, इसका छिलका मैं इस तरह से उतार दूंगी। ये देखिए पूरा का पूरा छिलका जो है वो इसको उतर गया। इस तरह फिर ये बाकी टमाटर जो है वो इसके अंदर ही मैश हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा, तो छिलके शोरबे में हमें नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर पानी खुश्क हो गया। अब इसको इस मौके पे, इस टाइम पे अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया है। लेकिन जब आपने भूनना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये लहसुन और प्याज जो है वो साथ साथ आप इसको इस तरह से भूनें कि ये साथ ही मिक्स होते जाए, मैश हो जाए सारे जो है ना, कोई लहसुन प्याज आपको नजर ना आए साथ ही। इस तरह करके ना तो इसके अंदर जाएगा ऑयल। मैंने इसके अंदर ये ऑयल डाला, मुझे चूंकि तजर्बा है पता है कितना ऑयल डालना है, मैंने उस हिसाब से डाला है। आप अगर पहली दफा बना रही है तो अपनी वालदा या बड़ी बहन या किसी से पूछ के कि कितना ऑयल ठीक है, जो आप पका रही है जो खाना उसके अंदर कितना ऑयल आपको डालना चाहिए, तो फिर आप डालें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से भुना जाएगा जब तक इसके ये प्याज और ये सारी चीजें गायब नहीं हो जाती है। और घी जो है, जो ऑयल डाला है वो अलग, वो क्या कहूँ मैं, सालन जो है वो उसको घी अलग आपको नजर आने लग जाएगा, अलग छोड़ देगा उसको ऑयल को। भूनते हुए मैं इसके अंदर ये वाली मोटी पीसी हुई मिर्च भी थोड़ी सी डाल दूंगी, मुझे ये पसंद है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप डालें, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात, ये देखें जब भून रहे हो तो बार दफ़ा हल्का हल्का नीचे से जो है ना वो लगने लग जाता है, मतलब तो लग नहीं रहा होता लेकिन होता है कि अभी ये नीचे से गल ना जाए। उस वक्त बार दफ़ा माएँ जब सिखा रही हो तो वो कहती हैं कि थोड़ा पानी का छींटा दो, तो बार दफ़ा बच्चों को समझ नहीं आती कि छींटा क्या मतलब ना, तो उनको ये होता है कि हल्का सा आप जैसे इस तरह थोड़ा सा पानी जो है वो अंदर ऐसे डालते जाए भूनते हुए, तो जो हंडिया है जो सालन है वो ज़्यादा अच्छा भून जाता है, लगता भी नहीं है और वो उसकी भुनाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बीच बीच में जहाँ आपको लगे कि हल्का सा थोड़ा सा वो लग रहा है या कुछ है, तो वहाँ पे हल्का सा इस तरह पानी के छींटा इसको कहते हैं, हल्का सा पानी थोड़ा सा डालें और फिर दोबारा से भुनाई शुरू कर दें। चने भून चुके हैं, अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। इससे पहले इसके अंदर मैं थोड़ी सब्जी मिर्च डालूंगी, क्योंकि शोरबा जब पक रहा होता है तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है सालन में, चाहे वो गोश्त का सालन हो या चनों का या कोई भी, तो उसमें अगर सब्जी मिर्च डाल लें पानी जब डालते हैं तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। हाँ जी, तो जो मैंने बात की थी घी छोड़ने की, तो वो इस तरह से जो ऑयल है वो सालन से अलग हो जाता है, इस तरह नज़र आने लग जाता है जब अच्छी तरह से भून जाए। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। अच्छा, पानी डालने का जहाँ तक तलक है, तो मैंने इसको बनाना है कुकर में, मैंने इसको स्टीम देनी है, तो मैं इसमें पानी जो है थोड़ा ही डाल रही हूँ। आप लोग अगर आपने नॉर्मल मतलब बगैर कुकर के बगैर बनाना है तो फिर इसमें खुला पानी डालें, और इतना पानी हो, आपको निशानी मैं इसकी ये बताती हूँ कि इतना पानी हो कि आप ना जिसमें चने गल जाएं, और गलने के बाद जितना आपने शोरबा रखना है जब उतना रह जाएगा तो फिर आप उसको उतार लें। ठीक है, पहले मतलब इतना डालना है कि पहले चने गल जाएं और उसके बाद फिर उतना शोरबा रह जाए जितना आपने उतारना है, जब मतलब पक चुका है तैयार हो चुका है तो फिर आपने उसको चूल्हे से उतार लेना है। तो मैं इसको स्टीम दे रही हूँ। अब सालन तैयार हो गया है, मुझे इसका इतना ही शोरबा रखना है, इसलिए अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसके ऊपर धनिया डाल के इसके अंदर इस तरह से धनिया डालने के बाद मैं इसको ऊपर से ढांक दूंगी ताकि इसका कलर आ जाए अच्छा सा। चावल हो और चने हो तो क्या ही बात है,
जिसको ये पसंद है उसके तो मुंह में पानी आ गया होगा देख के। अच्छा जी, अगर आपके घर में कोई बीमार है या बूढ़ा है या खुद भी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा आपने इस तरह से रोटी के टुकड़े कर लेने, उसके बाद इसके ऊपर चनों का शोरबा जो है वो इस तरह से डाल लें। तो इसको अगर आप चम्मच या कांटे के साथ खाएंगे तो एक तो बहुत लजीज होगा और दूसरा ताकत से भरपूर गजा है ये, तो ट्राई कीजिएगा। ताकत के साथ साथ सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ तो ये नाश्ते का मज़ा ही दोबाला कर देते हैं। बहुत मज़ेदार नाश्ता लगता है पराठे के साथ अगर इसको खाया। चनों की रेसिपी, काले चने मैंने बनाए हैं जैसा कि शुरू में मैंने बताया आप सबको, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और प्यारी प्यारी बच्चियों आपको समझ भी आ गई होगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द ही, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।